नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। तमाम एग्जिट पोल फेल, बिहार में चलने वाली है डबल इंजन की रेल। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह 9 बजे के आंकड़ों के हिसाब से आरजेडी आगे निकलता दिखाई दे रहा था, लेकिन एक घंटे बाद ही तस्वीर पलट गई। नीतीश कुमार ने पूरी बाजी ही पलट दी। एनडीए 120 के पार पहुंचता दिखाई दिया, जिससे दिख रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बिहार के रुझानों में एनडीए बहुमत के पार हो गया है। हालांकि इसमें अभी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे सिर्फ 22% वोटों की गिनती हुई थी, यानी 4.10 करोड़ वोट से 92 लाख वोट काउंट हुए थे। इससे पहले मंगलवार सुबह जब रुझान आना शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव का महागठबंधन आगे बना हुआ था। सुबह 9 बजे तक वो इतनी बढ़त हासिल कर चुका था कि सरकार आसानी से बन जाए, लेकिन एक घंटे बाद तस्वीर बदल गई और नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। एनडीए 120 सीटों के करीब पहुंचता दिखा और अगले आधे घंटे में उसने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू लिया। भाजपा भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रुझानों से जुड़े अपडेट, 1 बजे एनडीए 127, महागठबंधन 105, 12:30 बजे एनडीए 129, महागठबंधन 103, 12:00 बजे एनडीए 129, महागठबंधन 100, 11:30 बजे एनडीए 131, महागठबंधन 101, 11:00 बजे एनडीए 103, महागठबंधन 97, 10:30 बजे एनडीए 125, महागठबंधन 109, 10:00 बजे एनडीए 119, महागठबंधन 114, 9:00 बजे महागठबंधन 120, एनडीए 90+, 8:30 बजे रुझानों में महागठबंधन 60+ और एनडीए 40+। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी राघोपुर से आगे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप हसनपुर सीट से 10:00 बजे बाद पिछड़ गए थे, फिर वे आगे हो गए। मधेपुरा से उम्मीदवार पप्पू यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बिहारीगंज सीट से शरद यादव की बेटी सुभांशनी दूसरे नंबर पर चल रही है। बांकीपुर से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय, इमामगंज से हम प्रत्याशी जितिन राम मांझी पीछे चल रहे हैं। वीआईपी के मुकेश सहरी सिमरी बिख्तियारपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। जुमाई से भाजपा की श्रेयसी सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। छातापुर सीट से सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू आगे चल रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे की स्थिति, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एचआर श्रीनिवास ने दोपहर 1:30 बजे मीडिया को बताया कि राज्य में 4.10 करोड़ वोट डाले गए थे, इसमें से 92 लाख वोटों की गिनती हुई है। आमतौर पर 25 से 26 राउंड में काउंटिंग होती है, इस बार हमें 35 राउंड तक काउंटिंग करनी पड़ी, इसलिए काउंटिंग शाम तक चलेगी। 55 सीटों पर 1000 वोटों का अंतर है, जबकि 35 सीटों पर 500 से कम वोटों का मार्जिन है। सुबह 8:00 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन राजधानी पटना से आधा घंटा बिताने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आया है। स्टाफ काउंटिंग सेंटर पर देरी से पहुंचा क्योंकि लोग मोबाइल लेकर आ गए थे, फिर नाश्ता करने में देर हुई। सुबह 40 मिनट बीतने के बाद भी किसी प्रकार का रुझान नहीं दिया गया। पूर्वी चंपारण, सिवान, बेगूसराय और गया से 3-3, नालंदा, बांका, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सहरसा से 2-2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। 55 काउंटिंग सेंटरों में 414 हॉल बनाए गए हैं। अगर जेडीयू हारेगी तो कोरोना की वजह से। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि एक साल पहले रजत को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली,
लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो जेडीयू और सहयोगी दलों में 200 से ज्यादा सीटें मिलनी थी। एक साल में ब्रांड नीतीश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम अगर हार रहे हैं तो वो सिर्फ कोरोना की वजह से। नीतीश कुमार खुद चुनावी मैदान में तो नहीं थे, लेकिन जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश ही थे। उन्होंने 103 इलाके में 113 चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल का ये पहला चुनाव था जिसमें अमित शाह नदारद रहे। मोदी ही प्रचार का बड़ा चेहरा रहे। उन्होंने प्रचार के दौरान बिहार में 12 रैलियां की। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी हैं। तेजस्वी ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की, यानी हर दिन औसत 12 रैलियां, 4 रोड शो भी किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से प्रचार से दूर रहीं। राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका भी कहीं नहीं दिखाई दी। कांग्रेस के लिए राहुल ने ही प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने कुल 8 रैलियां की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए में 223 सीटों पर बढ़त मिली थी। इनमें से 96 पर भाजपा तो 92 पर जेडीयू आगे थी। लोजपा 35 सीटों से आगे थी। एक सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से 17 सीटों से आगे था। इसमें 9 सीटों पर आरजेडी, 5 पर कांग्रेस, 2 पर हम और अब एनडीए का हिस्सा है एक सीट पर रालोसपा को बढ़त मिली है। अन्य दलों में 2 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM और 1 पर CPIML आगे थी। 2015 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया गया था। इस गठबंधन को 178 सीटें मिली थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए। इस चुनाव में एनडीए में भाजपा, वीआईपी और हम के साथ जेडीयू भी हैं। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही रालोसपा और लोजपा के साथ हैं। 2010 के चुनाव में नीतीश एनडीए की ओर से, 2015 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। इस बार फिर वो एनडीए की ओर से सीएम फेस हैं। पिछले 15 साल से राज्य में नीतीश की पार्टी सत्ता में है। इसमें 14 साल से ज्यादा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है। लालू के जेल जाने के बाद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी रजत का चेहरा तेजस्वी ही है। पूरा चुनाव महागठबंधन ने तेजस्वी के चेहरे पर ही लड़ा है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव प्रचार के पोस्टर तक से गायब है। तो देखा आपने, बिहार में चेयर रेस कितनी दिलचस्प हो गई है, लेकिन बिहार किसका होगा यह तो फाइनल रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।